पृथ्वी पृथ्वी इस पृथ्वी पर न जाने कई सारे जीव जंतु जानवर रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन सारे जीवों में सबसे अद्भुत है मनुष्य। ओए मनुष्य पृथ्वी पर राज्य करते हैं। अफसोस यही मनुष्य आज जानवरों से भी ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है। छोटी छोटी फूल जैसी उम्र बच्चियों पर लैंगिक अत्याचार करके अपनी हैवानियत साबित कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड की खोज करने वाले आधुनिक मनुष्य को आखिर में क्या हुआ है? क्यों इस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और लैंगिक अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं? निष्पाप कलिया, जिन्होंने अभी पूरी तरह से दुनिया देखी नहीं, शालीनता से अपने माँ बाप के सहारे धीरे धीरे पलती फुलती इन बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का काम सिर्फ दरिंदे कर सकते हैं, तो कहाँ खो गई इंसान की इंसानियत? अहो विचार करा, त्या कोवळ्या निरागस मुलीला अजून त्यांच्या शरीराच्या अवयवांची नावे देखील माहिती नसतात। अशा घटना घडल्यावर हृदय फाटून जाते, शरीरातील रक्ताला उकळी फुटते, पण यापुढे आपण करू देखील काय शकतो? अरे रे रे, फार वाईट झालं। ही आपली कमी आणि सांगणं। एका निरागस मुलीचा बलात्कार होऊन खून झाला आणि सर्व काही सर्व काही एक नन्हीसी बच्ची की जान चली गई। लेकिन अगला अत्याचार कौन रोकेगा? अगली बच्ची की जान कौन बचाएगा? ऐसी विकृत मानसिकता को रोकने के लिए पुलिस और सरकार को दोष देने के बजाय हमें भी हमारी सोच बदलकर हमारी बच्चियों को विश्वास में लेना होगा। उन्हें सिखाना होगा। हम बचपन से बच्चों को E for eyes, L for legs, N for nose पढ़ाते हैं, लेकिन हम खुद अपने बच्चों को प्राइवेट पार्ट के बारे में न बताते हैं न पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये सब पढ़ाना शर्म की बात महसूस होती है। और इसी कारण वह बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर बहुत ही शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें सब सिखाया गया है लेकिन एक बात छुपाई जाती है। इसी अज्ञानता की वजह से ये धरिंदे लोपा देखकर उन्हें कुचल देते हैं। तो आओ हम अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए पहले दूसरों की बच्ची पत्नी और माताओं का सम्मान करें। पराई स्त्री को अपनी माँ बहन बच्ची की तरह आदर सत्कार सम्मान से देखें। याद रहे केवल हमारा नजरिया ही दुनिया बदल सकता है। जैसे भगवान श्री गणेश जी ने अपनी माता के लिए स्वयं भगवान शंकर जी से लड़ाई की, वैसे ही संसार की हर फूल जैसी बच्ची स्त्री महिलाओं के लिए क्या हमें भी अपनी सुरक्षा देनी चाहिए? गणपति बप्पा मोरया।